अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 7 के लेक्चर नंबर 26 के साथ, जिसमें आज हम आपको न्यू कंसेप्ट देने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 का। पेज नंबर आपके 25 के ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। सबसे उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से रीड करके बताते हैं। पेज नंबर 25 है आपका, कहता है वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर बाय द गिवन रूल। के प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम उन इन रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। नंबर वन रूल है आपके पास है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑफ वन रैशनल नंबर बाय द न्यूमिनेटर ऑफ अदर रैशनल नंबर, सिमिलरली मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर। के आपके पास है, और अगर आपके पास पी बाई क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है आर बाय एस के साथ, तो आपने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी आर से मल्टीप्लाई करेगा तो पी आर, क्यू को एस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने इनके लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि जिन टू वाले से मैम में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन होता है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी ये कहने का क्या मतलब है। जब भी आप अपने रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि अगर तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कटिंग करना, तो कटिंग हमेशा रैशनल नंबर्स की या तो क्रॉस सेक्शन में होती है या ऊपर नीचे वैल्यूज की। कि एक ही टेबल पे अगर क्रॉस सेक्शन में कोई वैल्यूज कट रही हैं या ऊपर नीचे वैल्यूज कट रही हैं तो आप उनको कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, अगर मैं देखूँ तो कटिंग हो सकती है टू वन जर टू सिक्स जर ट्वेल्व, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास है ऊपर वन नीचे फाइव मल्टीप्लाई ऊपर इलेवन नीचे सिक्स। अब मजीद ये कट नहीं हो सकता, ना ऊपर नीचे ना क्रॉस है। अब आप क्या करें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वन को इलेवन से मल्टीप्लाई किया इलेवन, फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो थर्टी, ठीक हो गया। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स की, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 26 के ऊपर उसमें क्या कहता है, रीड करके बताती हूँ। वी नो दैट दैट डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली बात है कि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन के क्या है, ऑपोजिट है। जिस तरह से एडिशन के ऑपोजिट क्या है, सब्ट्रैक्शन। सो वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप वन है फाइंड द मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ डिवाइजर। फिर नेक्स्ट है स्टेप टू, मल्टीप्लाई इट बाय द डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि अगर ये देखिए ये टू रैशनल नंबर है जिनके बीच में क्या आ गया, डिवीजन, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्ट हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये रूल है। ये कभी भी आप डिवीजन को डायरेक्ट रैशनल नंबर के मैम अगर डिवीजन आ जाता तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रोसेस रखा कि आप पहले अपने डिवीजन को किस में चेंज करें, मल्टीप्लीकेशन में। फिर मल्टीप्लीकेशन में आगे जिस तरह से हम कटिंग करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसी प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन रियलाइज। अब जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगी, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज होगा तो सेकेंड वैल्यू का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर फर्स्ट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो सेकंड वैल्यू पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आ जाए
और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। अब आप उसी तरह से सर हम मल्टीप्लीकेशन में उसकी कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप कर सकते हैं 5 × 5, 5 × 5, 3 × 3, 3 × 6। जरूरी नहीं है कि कटिंग क्रॉस सेक्शन में ही हो, कटिंग ऊपर नीचे वाली उसकी भी हो सकती है, मगर कटिंग आमने सामने न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग कभी भी नहीं हो सकती, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके पास रिमेनिंग रहा 1 × 1 × 1 × 2। अब आप इसके लिए कर सकते हैं 1 × 1 से 1 आ गया, 1 × 2 से 1 तो आपके पास आंसर है 1/2। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी को सबका रिवाइज करना है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।